हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बीएससी मैथमेटिक्स का कोई भी बुक आप ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हो और उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको उसमें सर्च करना है गूगल बुक्स। जैसे ही आप गूगल बुक्स को सर्च करते हो, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। फिर आपको यहाँ जो गूगल बुक्स लिखे हुए दिखाई दे रहा है, आपको नॉर्मली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको जो भी बुक्स पढ़ने हैं उसके नाम बस इसमें आपको टाइप करने हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रियल एनालिसिस पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया रियल एनालिसिस और हमें बहुत टाइप के जो यहाँ बुक्स हैं वो अवेलेबल दिखाई दे दिए। अब मान लीजिए हमें पढ़ना है रियल एनालिसिस कृष्णा सीरीज का, तो इसे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे बुक्स जो है वो मेरे सामने आ जाएंगे और इसे जैसे मुझे पढ़ना है तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो ये बुक का इंटरफेस है, जो कवर फेस है, वो हमारे पास सामने आ जाएगा। हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये हमारा कृष्णा सीरीज है। ये बुक यहाँ डिग्री लेवल के लिए है, जो ऑनर्स है या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसे पढ़ सकते हैं, या जो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बुक सफिशियंट है। तो अब हम जानते हैं कि इस बुक की प्राइस कितनी है। तो ये बुक जो है करीब, अगर आप जाते हैं शॉप पे, तो इस बुक के लिए करीब आपको 260 रुपये पे करने होंगे। और यहाँ पे गूगल लाइब्रेरी जो है आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे इसके जितने भी कंटेंट्स हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है कि किस पेज में कौन से जो थ्योरम है या कौन से जो टॉपिक है वो अवेलेबल हैं। और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कंटेंट्स का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें देख लेते हैं कि किस पेज नंबर में आपको कौन कौन सा जो थ्योरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है और इसे स्क्रोल करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारे पास जैसे कोसी सीक्वेंस को हमें पढ़ना है, तो हम इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो हमारा सीक्वेंस है वो मेरे सामने आ जाएगा और हम इसे स्क्रॉल करके आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ से पेज नंबर जो है हम इस तरीके से अचानक जो भी हमें जैसे कि लिमिट पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लिमिट पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा चैप्टर है वो खुल जाएगा। अब बात की जाती है कि ये इसको फुल करने का, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम है उस पर क्लिक करेंगे और ये आपका फुल स्क्रीन साइज में आ जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसके साइज को बढ़ाया घटाया जाए, तो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करते ही ये जो आपके पास पेपर है वो पूरा जूम हो जाएगा और आप इसे कहीं पर भी स्क्रॉल कर सकते हो और इसे पढ़ सकते हो। आप चाहते हो छोटा करके पढ़ने के लिए तो छोटा का भी ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से जूम इन भी हो जाएगा। अब इस तरीके से ये आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से पेज को नेक्स्ट और बैक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पेज दिखाई दे रहा है 88 है, जैसे इस पर क्लिक करोगे 89 आएगा, 90 आएगा और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बैक जाएगा। ठीक है, तो ये है आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम ऑनलाइन बुक पढ़ते हैं तो जो हमारा डेटा होगा उसकी बर्बादी होगी। तो आपकी डेटा की जो बर्बादी होगी वो नहीं होगी, बस आपको गूगल पे ओपन करना है और सर्च करने के बाद जैसे ही ये बुक आपके सामने खुलेगा आप अपने डेटा को ऑफ कर सकते हो और आसानी से ये जो पेज है आपके सामने खुल जाएंगे और आप इसे स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो। आपका डेटा ऑफ रहेगा, आपका डेटा थोड़ा सा भी खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बुक का जो तरीका है वो मैंने बताया। अब मान लो कोई दूसरा बुक पढ़ना है आपको, तो नॉर्मली आपको इसमें बस टाइप करने होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे डायनेमिक्स की बुक पढ़नी है, तो यहाँ पे डायनेमिक्स कृष्णा सीरीज मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करते ही मेरे पास जो फाइल है वो खुल गया। अब यहाँ पे कृष्णा सीरीज का जो बुक है वो मेरे पास खुल चुका है और मैं इसे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो इसका कवर फेस है मेरे सामने आ गया है और मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कृष्णा सीरीज का डायनेमिक्स का बुक है जो कि डिग्री लेवल ऑनर्स स्टूडेंट के लिए है और आईएएस तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस जो स्टेट लेवल का सर्विस होता है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सफिशियंट है। अब डायनेमिक्स जो है ये आपका फुल्ली सॉल्व्ड बुक है और यहाँ से आप इसे स्क्रॉल करके आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप इसे खरीदने जाते हो तो शॉप पे आपको करीब 210 रुपये पे करने होंगे और यहाँ पे गूगल लाइब्रेरी जो है आपको फ्री में अवेलेबल करा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट जो भी है इस बुक में अवेलेबल यहाँ पे दे रखा है, फिर यहाँ पे कंटेंट्स है और फिर उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि इसका जो पेज है वो आगे पीछे यहाँ से भगा सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है फेवरेट, यानी कि ऐड कर सकते हो आप यहाँ से हैव टू रीड या फेवरेट बुक में इसे लिस्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप सर्च करोगे ना तो ये बहुत जल्द आपके यहाँ जो फेवरेट होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा,
और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये बुक मैंने पढ़ा है और ये बुक जो है मेरा फेवरेट है और मैं इसे आसानी से पढ़ लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी बुक्स पढ़ना है तो बस आपको यहाँ पे सर्च करना है और वो बुक आपके सामने होगी और आप उसे आसानी से पढ़ पाओगे। अगर आप चाहते हो कि ये बताया जाए कि ये बुक्स को डाउनलोड कैसे कर लें इसको पीडीएफ में, तो इस वीडियो पे कम से कम आपको 1000 लाइक देने होंगे। अगर आप 1000 लाइक देते हो तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि इसे डाउनलोड कैसे करें। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनको सच में इन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल वीक हैं, उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बुक खरीदें, तो उनको ये हेल्प मिल जाएगा। उनके पास स्मार्टफोन तो ज़रूर होंगे, वो आसानी से पढ़ पाएंगे। इस चैनल पे आपको बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट वन और पार्ट टू के सिलेबस के अनुसार सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपके यूजफुल हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे इसी तरह के और भी वीडियोज के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।